असलम स्टूडेंट्स होप यू इन्जॉय द टॉक बाई प्रोफेसर टीना डासन और आपने उसको बहुत केयरफुली सुना होगा और आपने उस पर गौर भी किया होगा लेकिन फिर भी मैं आपके लिए उसको मेन पॉइंट्स जो उस उनकी टॉक के हैं वो यहाँ पर रिकेप या रिविज़िट करूँगी प्रोफेसर डासन के बिकॉल जो ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ हेल्पिंग हैं वो जो हैं डिसक्रेडिट हो रहे हैं एक तरह से उनका मिक्स्ड रिकॉर्ड है मिक्स्ड रिजल्ट है कहीं पर कामयाब हैं कहीं पर नाकाम हैं कहीं पर उनकी लिगैलिटी पर ख़ुद क्वेश्चंस हैं जैसे चैरिटीज़ हैं फिलनथ्रॉपिक इनिशिएटिव्स हैं एन हैं तो उनकी जगह पर अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक नया मेथड आप समझें के सामने आया है लोगों को हेल्प करने के लिए लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और सोशल वैल्यू क्रिएट करने के लिए लेकिन प्रोफेसर डासन का कहना है कि आप इसको आल्ट्रोइिक या बिल्कुल एक ब्राइट या सब अच्छा के तौर पर मत देखें क्योंकि कुछ अनफोरसीन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो कि इंटेंडेड यानी जो सोशल एंटरप्रेन्योर है उसकी नीयत होगी उसका कोई अल्टीरियर मोटिव होगा कि वो कुछ और गेन करना चाहता है बाहर एक सोशल एंटरप्रन्यरशिप इनिशिएटिव शुरू करके या अन इंटेंडेड हो सकते हैं कि नेक नियति से एक इनिशिएटिव लिया गया लेकिन उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए सबसे इसकी अच्छी और क्लासिक एग्जांपल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो माइक्रो फाइनेंस या क्रेडिट की है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की एग्जाम्पल्स इस कोर्स में थ्रू आउट कोर्ट होती आई हैं लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसकी इस तरह की रिप्लीकेशनस भी हुई कि लोग जो हैं वो बैंक से भी ज़्यादा तंग हुए जो क्रेडिटर्स थे या माइक्रो फाइनेंस देने वाले थे उनके हाथों और लोगों ने रातों रात माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए से एम्पायर्स खड़ी कर ली बड़े बड़े बैंक बना लिए और अपने आप को कमर्शल एंटिटीज़ के तौर पे बाद में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया तो ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी जिसको सोचा नहीं था प्रोफेसर यूनस ने कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा हुआ तो प्रोफेसर डासन के बकौल पांच अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो नेगेटिव हैं वो हो सकते हैं नंबर वन अनफोसन कॉन्सिक्वेंसेस वो नतज जो आपने सोचे ना हो जैसे प्रोफेसर यूनस ने औरतों को माइक्रो क्रेडिट देते हुए नहीं सोचा था कि इससे उनका बर्डन कितना बढ़ जाएगा औरतें ना सिर्फ घर के काम करती थीं बल्कि वो जो क्रेडिट लेती थी उसके ज़रिए जो वो बिज़नेस करती थीं वो करती थी उसकी एक्टिविटीज़ भी उनके काम में शामिल हो गई और फिर ऊपर से जो मुनाफा आता था वो उनके हस्बैंड्स घर के मेल्स जो हैं वो जुआ नशा इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए छीन के ले जाते थे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ गई और ये सारे अनफोसिन कॉन्सिक्वेंस थे उस छोटी सी अमाउंट के जो उस फैमिली को जाती थी जिससे वो औरतें एक्टिविटीज करती थी इसी तरह एक और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का या उसकी डार्क साइड हो सकती है वो जो ट्रेडिशनल चैरिटीज़ हैं उनको डीलजिटमाइज एक तरह से कर रहा है कि ये जी जो चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन हैं सदियों से काम कर रही थी फ़िल्म जो हैं आज भी करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो दे रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए उनको सोशल सर्विसेज फ्राहम करने के लिए लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का लिटरेचर कुछ यूं पोज करता है जैसे कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है ये ठीक नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए इससे डिपेंडेंसी होती है ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना भला करती हैं और पता नहीं किया क्या इस किस्म के इश्यूज जो हैं वो एन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह से एक नेगेटिव इमेज उनका क्रिएट कर रहे हैं इसी तरह प्रोफेसर डसन ने कहा कि स्टेट जो है जब सोशल एंटरप्रन सोशल सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं तो स्टेट एक तरह से अपने आप को अपनी उस जिम्मेदारी से क्योंकि बेसिकली तो सोशल सर्विसेज देना हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग ये सारा जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है ना तो स्टेट अपने आप को फारग समझने लग जाती है कि भाई ये सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है ये काम करने की इसी तरह एक और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो अनएथिकल बिहेवियर है ख़ास तौर पर ग्रीन कंज़प्शन जो है उसके बाद कि जब आप एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल किस्म की जो आपकी कंजम्पशन होती है कि आप ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिससे नेचर डैमेज नहीं हो रही जिससे अंडर प्रिवलज ग्रूप्स को फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप बहुत सारी ज़िंदगी की और चीज़ों में लापरवाह हो जाते हैं उनकी लजिटमेसी uh, के हवाले से कि जो आपके बिहेवियर्स हैं वो कानूनी हैं गैर क़ानूनी हैं इखलाकी हैं गैर अखलाक़ी हैं आपके आप समझते हैं कि आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है उस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें हिस्सा लेके या ग्रीन कंजम्पशन में शामिल होकर तो ये वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स को शुरू करने वालों ने जब पहली दफ़ा जिन्होंने इनिशिएटिव्स लिए उन्होंने सोचे नहीं थे लेकिन अब वो सामने आ रहे हैं इसी तरह जैसे हमने पीछे जमायका में गैंग्स के हवाले से बात की और उनके पॉलिटिशियंस के साथ क्लूजन और वोट्स की जो एक्सप्लाइटेशन है उसके बारे में बात की इससे माशरे में एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है लोग बजाए एम्पावर होने के डिस हो रहे हैं तो ये वो सारे कॉन्सिक्वेंस हैं जिनके बारे में प्रोफेसर डासन हमें वॉर्न कर रही हैं कि एक स्टूडेंट के तौर पर सोशल एंटरप्रेन्योर के एक रिसर्चर के तौर पर आपको ये चीज़ें जहन में रखने की ज़रूरत है कि सब कुछ फेस वैल्यू पे अच्छा नहीं है उसको आपको ध्यान से एनालाइज करने की ज़रूरत है थैंक यू